गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बीएससी सेकंड ईयर का बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर ऑफ जीन ट्रांसफ़र क्या होता है आपका वेक्टर ऑफ जीन ट्रांसफ़र? देखिए, ये आप सभी जानते हैं, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये सेल है, इस सेल में जीनोम है। ये किसी एनिमल की सेल है, कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस है, जीनोम है, पार्टिकुलर डीएनए बोले या क्रोमोसोम बोले, जीनोम, न्यूक्लियस, सेल, जीनोम्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, इसको अपने बाहर निकाल लिया और इसको इस तरीके से कर लिया, ओपन कर लिया इसको, है ना, खोल लिया। अब आराम से इसको डीएनए बोल सकते हैं आप। वैसे तो इसको आप क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? आगे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, एक पर्टिकुलर जीनोम होता है, और इस जीन पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके जी, इस डीएनए पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। ठीक है, ये क्या है आपके? जीन। और ये क्या है आपका? डीएनए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेट। आइसोलेट करना है अपन को। क्या करना है? आइसोलेट। क्लियर है? आइसोलेट किस तरीके से करेंगे, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? कल मैंने आपको पढ़ाया था एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस होगा या फिर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। आइसोलेट किया, एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्लियर है? अब हमने इस तरीके से इसको आइसोलेट कर लिया फ्रैगमेंट के फॉर्म में। आपको पता है ये जीन है। क्या है? ये जीन है, और जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। पर्टिकुलर एंजाइम फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने इनको बाहर निकाल लिया है, जीन को, मान लो ये जीन है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सुना है? इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम, सुना है? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, सुनिए आपने। एक जीन क्या करता है? एक एंजाइम को बनाता है। अब हमें क्या करना है, दो तरीके से, या तो हमें जीन की कॉपीज बना लें
क्योंकि हमें बहुत सारा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, हम बहुत सारा क्या बनाना चाहते हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। और एक इंसुलिन के जीन से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, एक इंसुलिन से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें इसी क्या करनी पड़ेगी, कॉपीज बनानी पड़ेंगी। अब कॉपीज कैसे बनाएं, बड़ा सवाल कि इसकी कॉपीज कैसे बनाएं। टॉपिक अपना प्लाज्मिड, इससे टॉपिक है वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर। इस जीन को ट्रांसफर करना है किसके अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो हमें या किसी अदर एनिमल में, देखिए कॉपीज बनाएं किसी इंसुलिन का फॉर्मेशन करें, या फिर क्या करें, किसी अदर जीन में ट्रांसफर कर दें, अदर जीन के साथ अटैच कर दें, समझ रहे हो ना। या तो ये जीन एक एंजाइम बनवाए, कॉपीज मिले बहुत सारी कॉपीज, या फिर इससे किसी अदर एनिमल के जीन के साथ अटैच कर दें, तो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किस में, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का होता है और उसमें एक होता है सर्कुलर डीएनए, क्या होता है सर्कुलर डीएनए, एक होता है प्लाज्मिड। समझ रहे हो, सर्कुलर डीएनए एंड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की बात करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, इस डीएनए के साथ यह है साइटोप्लाज्म, सर प्लाज्मिड क्या करता है, एक वेक्टर के फॉर्म में काम करता है, किस फॉर्म में, वेक्टर। इसके साथ ही बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड क्या करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे क्या होता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मिड के अंदर 8 to 10 जीन प्रेजेंट होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, मोर देन 10 भी होते हैं, मोर देन 10 जीन्स ही प्रेजेंट होते हैं। यानी इसका मतलब ये एक्सपीरियंस है एनिमल्स में, कुछ प्रोटीन बनाता होगा ये, कुछ एंजाइम बनाता होगा ये, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता होगा ये। इसका मतलब हम इसके साथ किसी अदर जीन को ऐड कर दें तो 10 से 11 हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा जीन ऐड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जीन क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा एंजाइम सीक्रेट करेगा, उस एक्स्ट्रा एंजाइम को अपन आइसोलेट कर लेंगे, एक तो ये होता है। दूसरा हम क्या करें, इस प्लाज्मिड को अपन आइसोलेट कर लें और इसके साथ ही इसकी कॉपीज बनाएं, ठीक है। कैसे बनेगा ये देखिए, जैसे ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होगा तो ये प्लाज्मिड भी एक से दो हो जाएगा, ठीक है, एक से दो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर इस जीन को ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये तो इसका सर्कुलर डीएनए है और ये प्लाज्मिड। अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है और बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया बनते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करेंगे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनेंगे। तो इस तरीके से हमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं, इस तरीके से हमें बैक्टीरियाज की कॉपीज़ मिलती हैं, इस तरीके से हमें बैक्टीरिया की कॉपीज़ मिलती हैं जो क्या करती हैं, कुछ डीएनए तो बनता ही है सब में। किस टाइप का डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में ना। इसी के साथ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया
ठीक है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ये तो इसमें प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी, और किस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आप, इतने सारे बैक्टीरिया हमने बना लिए, इतने सारे बैक्टीरिया हमने बना लिए। अब इन बैक्टीरिया के अंदर देखो, मैं यहाँ भी डिज़ायर जीन है, यहाँ भी डिज़ायर जीन है, यहाँ भी डिज़ायर जीन है, यहाँ भी डिज़ायर जीन है। अब इसको क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे, और अलग करके इनको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे, और इस तरीके से हमें ये मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपन ने किन को, डिज़ायर जीन को। क्लियर है, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन। तो ये प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ह्यूमन एनिमल सेल ली हमने, ठीक है। इस एनिमल सेल में से हमने न्यूक्लियस को आइसोलेट किया, न्यूक्लियस से जीनोम को आइसोलेट किया। ये क्या है आपका जीनोम, जीनोम को लीनियर फॉर्म में, ये लीनियर डीएनए है, इस डीएनए में से जीन को आइसोलेट किया। किसके थ्रू किया, अपने एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, या फिर एक्जो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू अपने आइसोलेट किया। इस आइसोलेटेड जीन को एंजाइम फॉर्मेशन बताया मैंने, इंसुलिन किसी भी चीज़ का एंजाइम फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। इसको हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है जो एक वेक्टर की तरह काम करता है, ये अटैच हो गया, इसकी कॉपीज़ बना ली हमने, ये ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, उनको आइसोलेट कर लिया हमने। तो ये आपका क्या करता है, प्लाज्मिड करता है, जस्ट वेक्टर फॉर्मेशन। समझ में आया आपको, इस तरीके से ये काम करता है। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट होता है, एक जीन एक एंजाइम बनाता है, पर्टिकुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो हमें एक चीज़ ये भी है, दूसरी चीज़ अगर इसके अंदर अपन देखें तो ये जीन एक्सप्रेस होगा और ये एंजाइम फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हम एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही लैब के अंदर में जीन मिल गए बहुत सारे, अब इन जीन से अपन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र करके हम उस पर्टिकुलर जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हैं, ये आपके सारे क्या है, ये बैक्टीरिया ना, क्लियर है, ये सारे आपके बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, रब कर दें इसको, आगे देखते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, ठीक है।
करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, तो देखिए करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड की बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा क्यों, देखिए ये बैक्टीरिया है, ये लीनियर डीएनए और इसी साथ एक छोटा सा बना रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मैन क्रोमोसोम कौन है, ये मैन क्रोमोसोम कौन है, ये मैन क्रोमोसोम कौन है, ये रहा, और इसके साथ ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मैन जीनोम क्या है, मैन जीनोम क्या है, ये है ना मैन जीनोम, मैन जीनोम ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग होती है आपकी, ये वायरस से अटैच नहीं होता है, किससे अटैच नहीं होता है, ये वायरस से, ये वायरस से अपेक्षाकृत कैसा होता है, इजी होता है, ठीक है, कैसा होता है, इजी होता है, कैसा होता है, इजी होता है ना। इसके साथ ही इसमें अगर इस प्लाज्मिड को बाहर रख दिया जाए ऐसे, तो इसका कोई वर्चुअलिटी नहीं होती, कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसका क्या होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता, तो बाहर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी आउटर ऑफ बैक्टीरिया आर इनएक्टिव, आउटर ऑफ बैक्टीरिया आर इनएक्टिव। थर्ड नंबर का क्या होता है, थर्ड नंबर पे क्या होता है, इसके ऊपर प्रोटीन कोट पाया जाता है, प्रोटीन कोट मिलता है इस पर, ठीक है, प्रोटीन का लेप होता है इसके ऊपर, प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही इसके अंदर ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें, सर्कुलर, इसके साथ ही डबल हेलिक्स, कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं, इसके साथ ही ये कैसे होते हैं, सर्कुलर, डबल हेलिक्स एंड क्लोज्ड होते हैं, कैसे होते हैं, क्लोज्ड, कैसे होते हैं, क्लोज्ड, कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। फास्ट रेप्लिकेट करते हैं, ये रेप्लिकेशन जो होती है वो होती है फास्ट, ठीक है, रेप्लिकेशन फास्ट होती है। इसके साथ ही आपके रेप्लिकेशन फास्ट होती है, इसके साथ ही जीवाणुओं के कुछ करैक्टर्स होते हैं, सम करैक्टर आज ट्रांसफर बाय या एक्सप्रेस बाय सम बैक्टीरियल करैक्टर्स अपीयर बाय प्लाज्मिड। जैसा कि मैंने बताया, प्लाज्मिड के कुछ बैक्टीरिया के कुछ करैक्टर्स होते हैं जो किसके थ्रू अपीयर होते हैं, प्लाज्मिड के थ्रू अपीयर्स किए जाते हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक टॉक्सिक्स और यूवी रेडिएशन रेजिस्टेंस होते हैं, कैसे होते हैं, सेवन नंबर पे एंटीबायोटिक
यूवी रेस इसके साथ ही टॉक्सिक सब्सटेंस, रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर किस करैक्टर्स देखते हैं, कुछ करैक्टर्स हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी मेन क्रोमोसोम के साथ वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आउटर बैक्टीरिया इनएक्टिव, बाहर ये इनएक्टिव रहता है, इसी के अंदर एक्टिव रहता है, जैसे कि जस्ट लाइक वायरस के फॉर्म में। वायरस से जबकि इजीली होता है, थोड़ा इजी होता है। प्रोटीन कोट होता है इसके ऊपर, एक कोट कवरिंग प्रेजेंट होती है प्रोटेक्शन के लिए, केमिकल इसीलिए प्रोटीन कोट के लिए। सम बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक यूवी रेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंस रेसिस्टेंस होगा प्रोटीन कोट के लिए। सर्कुलर एंड डबल हेलिक्स क्लोज होता है, ठीक है। सर्कुलर होंगे ये, डबल हेलिक्स होंगे, डबल हेलिक्स मतलब डबल, सिंगल हेलिक्स नहीं होंगे इसके साथ ही। डबल हेलिक्स मतलब हेलिक्स बनाते हैं इस तरीके से, है ना, हेलिक्स होते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। हेलिक्स क्या होता है, पेज को ऐसे बना के इसे घुमाते हैं, इसे घुमाते रहते हैं तो हेलिक्स बनाता है। डबल हेलिक्स क्लोज होते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते, पूरा कंप्लीट क्लोज होता है। रेप्लिकेशन फास्ट होता है, कैसा होता है, फास्ट होता है, बहुत सारी कॉपीज अपनी बना सकते हैं ये। सम बैक्टीरिया कैरेक्टर्स अपीयर बाय द प्लाज्मिड, यानी बैक्टीरिया कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कोई कैरेक्टर्स होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्लाज्मिड के द्वारा अपीयर्स होते हैं, सीन होते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको, आगे चले देख लीजिए एक बार, रब करते हैं फिर। रब कर दे, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपके। आगे चलते हैं अपन, इफेक्ट ऑफ प्लाज्मिड ऑन द होस्ट सेल, होस्ट सेल। हाँ, तो आगे का अपन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्लाज्मिड ऑन द होस्ट सेल की बात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड एक होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है एक, वो एग्रोबैक्टीरिया में क्या करता है, एग्रोबैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, एग्रोबैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड जो करता है ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। इसके साथ ही ये है फर्स्ट, तो ये हो गया। सेकंड प्लाज्मिड की बात करें तो ये मैक्सिमम क्या बनाते हैं आपके, जो आपको बता दिया मैंने, एंजाइम है आपके, जो मैंने पहले बात कर ली, एंटीजन से और एंटीबायोटिक से। तो एंजाइम हमेशा एंजाइम फॉर्मेशन में लगे रहते हैं, एंटीबायोटिक्स में लगे रहते हैं, और एक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये बने रहते हैं। एक होता है आर फैक्टर क्या होता है, सुना है आपने सभी ने, आर फैक्टर क्या होते हैं, आर फैक्टर जिसे कहते हैं एफ कारक, एफ फैक्टर, आर फैक्टर के एफ फैक्टर,
क्या कहते हैं ना, आर फैक्टर। तो देखिए ये भी आर फैक्टर भी प्लाज्मिड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीजेंस के लिए भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस तरीके से आर फैक्टर, इसके अलावा थर्ड नंबर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन में लगे रहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन में हमेशा लगे रहते हैं। तो प्लाज्मिड एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज और आर फैक्टर प्लाज्मिड टॉक्सिक सब्सटेंस के रेजिस्टेंस होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज के डाइजेशन, लगे रहते हैं। तो इस तरीके से अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्लाज्मिड कि कुछ एटी प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टेरियम में प्रेजेंट होता है, कहाँ रहता है, एग्रोबैक्टेरियम प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स में क्या करता है, ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। इसके बाद प्लाज्मिड एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में लगे रहते हैं। इसे आर फैक्टर फॉर्मेशन करता है प्लाज्मिड, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस एंड रेजिस्टेंस होता है, एंटीजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके साथ ही जो आर एफ फैक्टर होते हैं, ये आर फैक्टर हैं, कुछ एफ फैक्टर्स भी होते हैं। वो एफ फैक्टर क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। जानते हैं क्या होता है, एफ फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं, इसे कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये आपके आर फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरियोसिंस, जो जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए गए विषैले प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन होते हैं, तथा ये अपनी जाति से मिलते जुलते प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं। तो ये चीज होती है इसके अंदर, देखिए एक बार। ठीक है, रब कर दें इसको। इसके साथ एक चीज पढ़ते हैं अपन, प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग व्हीकल्स,
एज ए क्लोनिंग व्हीकल्स. प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग व्हीकल्स मीन्स होता है कि जैसे अपन ने बताया था क्लोन. व्हाट इज द क्लोन? अभी आपको पता है कि प्लाज्मिड है और इसकी क्या बनाई जा सकती है, कॉपीज बनाई जा सकती है बहुत सारी. पहली बात ये कॉपीज के फॉर्म किया जाता है, कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट कॉपीज बनाई जा सकती है, यानी इसको क्लोन किया जा सकता है. क्लियर है? क्लोन फॉर्मेशन. सेकंड क्या होता है इसमें, क्लोन बना सकते हैं, क्लोन प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग व्हीकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकंड थिंग क्या होती है, सेकंड थिंग क्या होती है इसके अंदर कि ये इसको कॉपीज बना सकते हैं. पहली बात तो ये. सेकंड चीज क्या होती है इसके अंदर कि अपन बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकते हैं. वी आर कैन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया. ठीक है, प्लाज्मिड आर ट्रांसफर टू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया, वन बैक्टीरिया टू सेकेंड बैक्टीरिया. प्लाज्मिड आर ट्रांसफर, प्लाज्मिड आर ट्रांसफर वन बैक्टीरिया टू सेकेंड बैक्टीरिया. ठीक है, वन बैक्टीरिया टू सेकेंड बैक्टीरिया. तो इस तरीके से बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अपन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके साथ ही इसमें क्या करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ये नॉट इंडिपेंडेंट कंडीशन, नॉट ए इंडिपेंडेंट कंडीशन. ठीक है, नॉट ए इंडिपेंडेंट कंडीशन. इज दैट क्लियर? नॉट ए इंडिपेंडेंट कंडीशन. आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो नॉट ए इंडिपेंडेंट कंडीशन. और इसके साथ इसके अंदर कहते हैं ये लीनियर सर्कुलर फॉर्म में मिलते हैं. प्लाज्मिड की अपन इससे पहले बात की थी, सर्कुलर फॉर्म में. ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ सर्कुलर फॉर्म में ठीक है. तो इस तरीके से अपन ने इसमें देखते हैं अपन बाकी. अपन ये तो अपने प्लाज्मिड की बात की, बाकी हम अदर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड के बाद अपन और क्या क्या पढ़ना है. प्लाज्मिड के बाद आपके वायरस है, एग्रोबैक्टीरिया है. ठीक है, इसके साथ आपके फेजेस है. ठीक है, बैक्टीरियोफाज है, फाजेस हैं, बैक्टीरियोफाजेस हैं. ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मिड पढ़ ही लिया अपन ने, तो आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. ठीक है, कल क्लास में पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो को. ठीक है, ओके, थैंक यू.